स्टूडेंट, मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा किस पर करना है, कक्षा 10 पार्ट 3 चल रहा है। कौन सा पार्ट चल रहा है? पार्ट 3 हमारा चल रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? धातु के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? धातु के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कि आज हमारी जो चर्चा होगी वो बेस्ड ऑन नॉन मेटल, यानी किस पर आधारित होगी? अधातु पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? अधातु पर आधारित होगी। इसका मतलब यह कि सबसे पहले हमको यह तय करना है कि व्हाट्स मीन नॉन मेटल, व्हाट्स मीन नॉन मेटल, यानी अधातु कहते किसे हैं? क्या चीज अधातु कहते किसे हैं? तो आइए चर्चा करते हैं अधातु। किस पर चर्चा हम लोग करेंगे? अधातु पर। तो अधातु की परिभाषा यह है कि वे समस्त तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। वे समस्त तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु। जो वे समस्त तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या करते हैं ये सभी? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। यह हम सीधे शब्दों में कहें कि इन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। क्या होता है? इन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, क्या होता है? ऋणावेश होता है। ऋणावेश क्यों होता है, अब आप इसको भी समझ लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7। आप विचार कीजिएगा कि ये क्या कर सकता है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तब ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब जब ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं ग्राही इलेक्ट्रॉन। क्या? जो देता है वो क्या है? दाता है। क्या है? दाता है। और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है? ग्राही है। यानी ये क्या करता है? ग्रहण करता है। ये क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक। तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 2 8 7 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अधातुओं के गुण। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? धातुओं के गुण पढ़ा था।
आज हम लोग किसके गुण पढ़ेंगे? अधातुओं के गुण। अधातु के गुण, देखिए जब हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पहले यह पढ़ा था कि समय ज्यादातर धातुएं क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन अधातु में क्या होता है कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या चीज? अधातुएं, मतलब अधातुएं ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, और क्या होती है? गैस भी हो सकती है। ठीक, या फिर आप एक चीज समझ लीजिए कि जितनी भी गैसें होती हैं, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, समस्त गैसें क्या होती हैं? क्या होती हैं? अधातु होती हैं। ठीक है, तो अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरी बात, इनमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। इसमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। इसमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अगली बात, अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अगली बात यह है कि ये पीटने पर आवाज नहीं करती। अगली बात इसमें क्या है कि ये पीटने पर आवाज नहीं करती है। ठीक है, अगली बात, ये भंगुर होती है। ये क्या होती है? भंगुर होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये भंगुर होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये फैलती नहीं बल्कि टूट जाती है। ये भंगुर होती है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं है, सॉरी हथौड़े से पीटने पर ये फैलती नहीं बल्कि टूट जाती है। अगली बात है कि ये तन्य नहीं होती है। अर्थात इनसे पार नहीं बनाया जा इनसे तार नहीं बनाया जा सकता है। छठवां, ये
उष्मा की कुचालक होती हैं। सतवां, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये सात अंतर हमने बता दिया। इसके वाले वीडियो लेक्चर हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था, 6-7 लेक्चर, मतलब 7 क्वालिटी। और अधातुओं के प्रमुख गुण में भी हमने क्या किया, कुल 7 गुण इसके जान लिए, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट पूरे गुण थे उसको हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो अधातु के 7 गुण उम्मीद है आपको अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। अगर इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान करा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।